गरम पोस्ट को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का आइकन जरूर दबाएं। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2018 के फाइनल में बांग्लादेश को आखिरी गेंद तक खींचे रोमांच मुकाबले में 3 विकेट से मात देकर भारत ने 7वीं बार खिताब पर कब्जा जमाया। भारत ने इससे पहले 1984, 1988, 1990 से 91, 1995, 2010 और 2016 में एशिया कप का खिताब जीता था। टीम इंडिया ने 5 साल बाद वनडे टूर्नामेंट जीता है। 2013 में वेस्टइंडीज में आखिरी बार टीम इंडिया ने ट्राई सीरीज जीती थी। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 2 गेंद रहते 1 विकेट से हराया था। 2013 में वेस्टइंडीज में ट्राई सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया 2014 में एशिया कप में खेली। इसी साल ऑस्ट्रेलिया में ट्राई सीरीज भी हुई। इसके बाद 2015 विश्व कप और 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी हुई, लेकिन भारत टूर्नामेंट नहीं जीत सकी। 2013 में ही टीम इंडिया ने इंग्लैंड में चैंपियन ट्रॉफी जीती थी। उससे पहले 2011 में भारत ने विश्व कप भी जीता था। उससे पहले 2010 में भारत एशिया कप विजेता रहा था। एशिया कप के फाइनल में बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छी शुरुआत के बाद भी 48.5 ओवरों में 222 रनों पर ढेर हो गई। भारत ने इस लक्ष्य को 7 विकेट खोने के बाद आखिरी गेंद पर खिताब अपने नाम कर लिया। भारत के सामने 223 रनों का लक्ष्य था, जो उसने आखिरी गेंद पर हासिल किया। जीत के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इसका श्रेय पूरी टीम को दिया। मैच के बाद रोहित ने कहा कि उनकी टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया और इसका उन्हें पुरस्कार मिल गया है। टूर्नामेंट में टीम की कप्तानी कर रहे रोहित शर्मा ने कहा कि हमने कुछ अच्छा क्रिकेट खेला है, यह जीत हमारी मेहनत का इनाम है। बांग्लादेश की टीम मैच को आखिरी गेंद तक ले गई। इस सांस रोक देने वाले मुकाबले के बारे में रोहित का कहना था कि मैं पहले भी ऐसा कुछ मुकाबलों का हिस्सा रह चुका हूं। टीम को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने दबाव में संयम रखते हुए शानदार जीत हासिल की। फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश ने शानदार शुरुआत की। 220 के